यदि आप सपना देख सकते हैं तो अब आप उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लो आ गई है एक और पैरामेडिकल वैकेंसी आप सभी के सामने, जो हमारे पास सबसे बड़ा सुनहरा अवसर लेके आया है। बात करेंगे अपन DSSSB पैरामेडिकल वैकेंसी के बारे में, जिसके अंदर पैरामेडिकल के लैब टेक्नीशियन की भर्ती आई है भाई। तो लैब टेक्नीशियन से पार्टियों को सबसे पहले मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और इसी के साथ आप सभी का सुदर्शन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज अपन बात करने वाले हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो पैरामेडिकल की वैकेंसी निकाली है उसके बारे में, और हम चर्चा करने वाले हैं कि कितने पद इसके अंदर आए हैं और क्या क्या योग्यता रहने वाली है, सर क्या क्या इसकी आयु है और वेतन हमें कितना मिलने वाला है। बिल्कुल अच्छे से जानेंगे हम वीडियो के अंत तक, आप जरूर जुड़ के रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं अपन इसके बारे में, उससे पहले आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे भर्ती से संबंधित हो, चाहे पैरामेडिकल से हो, चाहे एग्जाम से संबंधित हो, मैं सारी की सारी सुदर्शन क्लासेज के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है सबसे पहले इसी के ऊपर PDF डालता हूँ, तो जरूर इसको ज्वाइन करें। इसके बाद अगर अपन बात करें कि सर जो ये भर्ती आई है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो ये भर्ती निकाली है भाई, उसकी बात करेंगे, यानी कि DSSSB की बात करें, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो पैरामेडिकल की यानी हमारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकाली है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करें कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये 5/3/2024 को भाई जारी हुआ था, और इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 06/2024। इसके बाद बात करें इसके अंदर कौन कौन से पोस्ट हैं, तो इसमें लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3rd दे रखा है, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4th दे रखा है, बिल्कुल। इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन का पोस्ट भी अलग से दे रखा है, और फार्मासिस्ट के साथ साथ जूनियर फार्मासिस्ट, यानी कि बात करें अगर अपन कि देखो आपके पास क्या है, आपके पास डिग्री भी है भाई, लैब टेक्नीशियन की डिग्री वाले भी कैंडिडेट हैं और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी है, फार्मा की बात करें तो बी फार्मा वाले भी बच्चे हैं और डी फार्मा वाले भी हैं, तो सबके लिए अलग अलग भर्ती है। लैब टेक्नीशियन की भी 3 पोस्ट अलग अलग है, जिसमें दे रखी है कि लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3rd की बात कर रखे हैं, ग्रुप 4 की बात कर रहे हैं, और फार्मासिस्ट की भर्ती की बात कर रहे हैं। तो बात करेंगे अपन कि इनके जो फॉर्म है भाई, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करें तो ओपनिंग डेट दे रखी है भाई 21 मार्च 2024। बिल्कुल आप ध्यान रखें इस डेट को, 21 मार्च से इस भर्ती के फॉर्म जो है भाई स्टार्ट होने वाले हैं 12 बजे से, दिन के 12 बजे से भाई क्या है इसके फॉर्म स्टार्ट। क्लोजिंग डेट की अगर बात करें तो 19 अप्रैल 2024 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो मोटे मोटे तौर पर अपने को दो चीज़ें पता होनी चाहिए, सबसे पहले कि अगर हमें इसका फॉर्म भरना है तो फॉर्म ओपनिंग डेट और इसकी क्लोजिंग डेट। तो फॉर्म भरने के बाद, अब फॉर्म भरने के बाद बात आती है कि अब सर इसके अंदर पोस्ट की बात करें, पोस्ट कितनी क्या रहती है, और उसके बाद बात करें कि पेपर का पैटर्न कैसे आएगा, यानी सारी की सारी चीज हमें पता होने के बाद ही हम रणनीति की तरफ चलेंगे, यानी हम पढ़ाई कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करेंगे। बिल्कुल बात करते हैं अगर अपन कि लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3rd की अगर बात करें, लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3rd जिसमें डिपार्टमेंट के नाम भी दे रखे हैं, तो 38 पोस्ट है, बिल्कुल 38 पोस्ट है लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3rd की, और ग्रुप 4th की भी पोस्ट है जिसमें बायोकेमिस्ट्री लैब का दे रखा है और इसमें कार्डियोलॉजी का दे रखा है, और एक लैब टेक्नीशियन अलग से इसमें पोस्ट दे रखी भाई न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिलिंग में, और इसके अलावा लेबोरेटरी टेक्नीशियन की भी है और फार्मासिस्ट की भी है। तो ये चारों पोस्ट है भाई, चारों पोस्ट जिसमें लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट, तो बिल्कुल 2 पोस्ट इसमें पैरामेडिकल से संबंधित हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर अपन बात करें भाई कि सर ये भर्ती आई है और भर्ती आने के बाद हमें फॉर्म कब फिल होगा इसका ये भी डेट पता चल गई, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सर पेपर कैसा आएगा, पेपर इसमें कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या पॉजिटिव मार्किंग है, नहीं है, ये सारी सारी चीज़ें अगर अपन बात करें तो देखो भाई। बिल्कुल तो ये हम क्वालिफिकेशन वगैरह इन सब की अगर बात करें तो लैब टेक्नीशियन ग्रुप 3rd की क्वालिफिकेशन में इन्होंने दिया है BSc डिजायरेबल विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस एज लैब, BSc के साथ में 1 ईयर लैब एक्सपीरियंस पूछा भाई, 1 ईयर का एक्सपीरियंस की बात की है। बिल्कुल किसके लिए, यह ग्रुप 3rd वाले के लिए। इसके साथ इन्होंने कहा कि मेट्रिकुलेशन हाइट सेकेंडरी 10+2 विथ साइंस ईयर, और लेबोरेटरी का या लैब असिस्टेंट का कोई भी अगर डिप्लोमा कर रखा है साथ में, और
इसके अलावा इसकी पे स्केल की बात करें तो 29,200 से, इसमें दे रखा भाई 29,200 से 92,300, और लेवल जो रहने वाला है भाई लेवल 5 रहने वाला है, और ग्रुप कौन सा है इसमें, ग्रुप है इसमें सी। बिल्कुल अच्छी पोस्ट है भाई। और एज लिमिट की अगर बात करें अपन, एज लिमिट इसकी बात करें तो एज इसमें दे रखी है, एज की अगर बात करें तो एज दे रखी है भाई इसमें 21 से लेकर के 32 ईयर। कितनी भाई, 21 से लेकर 32 ईयर। और इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन यानी 35 ईयर वाला, 35 ईयर तक भी इसका फॉर्म भर सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना, एक तो कि इसके अंदर BSc MLT यानी कि ग्रेजुएशन के साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर बात करें कि पे स्केल क्या रहने वाला, तो लेवल 5 इसका रहने वाला है। और अगर अपन इसमें बात करें भाई लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 की बात करें, तो इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, इसमें ओनली फॉर BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी कि डिग्री की हुई होनी चाहिए, और पे स्केल एज इट इज सेम लेवल 5। लेकिन एज की बात करें, अगर इनके एज लिमिट की बात करें अपन, तो एज लिमिट इसमें दे रखी भाई 18 से लेकर के 27 ईयर, 18 से लेकर के 27 ईयर। ये हम किसकी बात करें, तो ये बात करें भाई लैब टेक्नीशियन ग्रुप 4 की बात करें। किसकी बात करें, ग्रुप 4 की बात करें। इसके बाद अगर देखें कि अपना जो है यानी कि सर इसमें एग्जामिनेशन स्कीम यानी कि बात करें कि पेपर कैसे क्या आने वाला है। अब मेन मुद्दे की बात ये बताओ सर कि पेपर कैसे आएगा, फॉर्म तो हम भरेंगे। तो देखो भाई, तो इसमें आपको सेक्शन वाइज इन्होंने बांट रखा है, टोटल 200 नंबर का पेपर होने वाला है। मैंने इसको अलग से बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स की बात करें तो वो 200 रहने वाला है, यानी 200 नंबर का पेपर आपका होने वाला है, जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया गया है इसको। सेक्शन ए भी 100 मार्क्स का रहने वाला है, और सेक्शन बी की बात करें तो वो भी 100 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स की बात करें वो 200 नंबर का है। अब अपन बात करेंगे सेक्शन ए में क्या सिलेबस है, सेक्शन बी में क्या सिलेबस है। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है भाई, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। और नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम वही रहने वाला कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 मार्क्स जो है भाई कटने वाले हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर पूरा चला जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से आपको क्वेश्चन की तैयारी करनी है, और रणनीति क्या रखनी है आपको, कैसे रोड मैप रखना है, कैसे तैयारी करनी है, मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि पार्ट ए में यानी सेक्शन ए में सर हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन बी में किस प्रकार तैयारी करनी है। बिल्कुल बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अब देखो, तो पेपर पैटर्न में सेक्शन ए की बात करें तो वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, और उसके अंदर आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है, और मैथमेटिक्स का पार्ट, और हिंदी और इंग्लिश का। बिल्कुल। तो सेक्शन ए जो है वही वो कंपटीशन का बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी सेक्शन है। अपन पैरामेडिकल वालों को मैथ पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें अपने को तैयार करनी पड़ेगी। और सेक्शन बी की बात करें तो जिसमें हमारा क्वालिफिकेशन का पार्ट दे रखा यानी कि BMLT का पार्ट दे रखा। किसका दे रखा, BMLT। तो BMLT की बात करें तो BMLT में ही सारे सब्जेक्ट अपने जो, जैसे कि एनाटॉमी की बात करें अपन, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इसके साथ ब्लड बैंक आ गया, हीमेटोलॉजी आ गई, बायोकेमिस्ट्री आ गई, माइक्रोबायोलॉजी आ गई, क्लिनिकल पैथोलॉजी आ गई, या फिर इनसे संबंधित यानी कि MLT इंस्ट्रूमेंट, MLC इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, तो इन सब से रिलेटेड अपना कौन सा है, सेक्शन बी रहने वाला है। और सेक्शन बी भी जो भाई है वो कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। तो इस प्रकार से जो पेपर रहने वाला भाई अपना वो 200 मार्क्स का रहने वाला, जिसमें दोनों ही सेक्शन को सिमिलर यानी कि 100 100 मार्क्स के अंदर डिवाइड किया गया। तो इस प्रकार से ये DSSSB की जो भर्ती आई है अभी, उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।